नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में गुरुवार को सिवान जिले के 20 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। सिवान शहर में सदर SDO और सदर BDO ऑफिस में मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस दौरान शिक्षकों में गजब उत्साह देखा गया। सिवान से राजेश पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम शहर के बीचों बीच वरीय अधिवक्ता भास्कर पांडे जी के हाथ में है। यहां पे जो आज शिक्षक निर्वाचन का जो मतदान चल रहा है उसको लेकर यहां पर प्रत्याशी बैठे हुए हैं और यहां पे सब लोग हैं। और क्या मतदान है और क्या यहाँ रुझान है, कैसे चल रहा है, इसके बारे में विशेष हम जानकारी लेते हैं। सर, बताया जाए यहाँ पर कितनी वोटिंग है? यहाँ पर सिवान जिले में 2100 वोटर हमारे हैं। कितने केंद्र बनाए गए? यहाँ 18 केंद्र बनाए गए। 20 केंद्र मतदान केंद्र जनरली प्रखंड में। यहाँ जनरली प्रखंड में शहर में और शहर में सिवान जो प्रॉपर शहर है, यहाँ एक सिवान सदर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में है और एक ब्लॉक है। इसी तरह हर जगह प्रखंड में और हर प्रखंडों का दौरा करके हमें अभी हम जाए। तो ये जो चुनाव हो रहा है ये तो 5 जिले में है, पूर्वी चंपारण। यहाँ ये तो पाँच सारण से लेकर के चंपारण, पाँचों जिले का कुछ बताया जाए। यहाँ पाँचों जिले में शिक्षकों में एक अद्भुत उत्साह है आदरणीय श्री केदारनाथ पांडे जी के, क्योंकि केदारनाथ पांडे जी ही एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जो शिक्षकों के स्वर्णिम और उज्ज्वल भविष्य के लिए कुछ संघर्ष करते रहे और इनका जीवन ही भावी संघर्ष के लिए। इन्होंने पत्रकार सम्मेलन में कहा है कि अगर मेरे जीवन के एक एक रक्त के कण भी शिक्षकों के कल्याण के लिए लगे, चाहे वे मदरसा शिक्षक हों, चाहे वे संस्कृत शिक्षक हों, चाहे वे माध्यमिक शिक्षक हों, चाहे वे वित्त रहित शिक्षक हों, चाहे वे विश्वविद्यालय के शिक्षक हों, इन तमाम शिक्षकों के कल्याण के लिए अनवरत संघर्ष करने वाले एकमात्र हमारे प्रत्याशी श्री केदारनाथ पांडे जी हैं और इनके जीत सुनिश्चित करने के लिए सारण से चंपारण तक के ये तमाम शिक्षक, चाहे वे वित्त रहित के हों, कॉलेज के हों, माध्यमिक के हों, संस्कृत और मदरसा के तमाम शिक्षक के लिए। लेकिन सर, एक उम्मीदवार है उनको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा नियोजित शिक्षक में भ्रम है कि नहीं है, अब जो नई पीढ़ी है वो नए लोगों का चुनाव करे ताकि हम लोगों को नया विस्तार मिले। आप जहाँ इशारा कर रहे हैं, पहले तो ये मान लीजिए कि नए लोग नहीं, और यहाँ आप चूंकि मीडिया से जुड़े हैं तो मैं आपको बताऊं कि इधर हिंदुस्तान में ही निकला था, सिवान के हिंदुस्तान में, कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग अपने पेंशन, ग्रेचुटी इत्यादि के लिए विश्वविद्यालय में दौड़ लगा रहे हैं। इसलिए जिन लोगों ने अपने विश्वविद्यालय को नहीं सुधारा वो हमारे नए शिक्षकों के लिए कुछ नहीं करेंगे। हाँ, एक भ्रम फैलाते हैं, लेकिन हमारे ये नए शिक्षक इतने विद्वान हैं कि उनके भ्रम में आने वाले नहीं हैं। मैं अभी दौरा करके यहाँ बैठा हूँ, हर जगह हमारे शिक्षक बड़े उत्साह से, बड़े जोश से, और उनके मन में इनकलाब है केदारनाथ पांडे के लिए, इसलिए वो लोग अपने जगह पर। सर, जीत के प्रति दो शब्द बोला जाए। देखिए, मेरे पक्ष में सुनामी है पूरे क्षेत्र में। शिक्षकों ने एकदम फैसला ले लिया है कि उनका सारा वोट मेरे पक्ष में होगा और वो सभी बूथों पर इस तरह उमड़े हैं जैसे सैलाब उमड़ जाता है। इसलिए कहीं किसी आदमी के साथ कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग भी लड़ रहे हैं वो मुझसे लड़ रहे हैं और 2 नंबर और 3 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं। शिक्षकों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब
नए लोगों को चाहे नए तरीके से वो बात को रखनी चाहिए। वो भ्रम का पर्दाफाश हो चुका है, भ्रम फैलाया गया था कुछ दिनों पहले, अब वो सारा पर्दाफाश हो गया है, बादल छट चुके हैं और शिक्षक समझ चुके हैं कि जो भ्रम फैलाने वाला आदमी है वो झूठ का कारोबारी है, वो कुछ करने धरने वाला नहीं है, उसका कारोबार साफ हो गया है। आपने देखा कि प्रत्याशी केदार पांडे जी ने कितनी बेबाकी से अपनी बात को रखा और यही कहा जा सकता है कि ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराना है वो सबसे नया है और वही आने वाले या नियोजित जो शिक्षक हैं उनके बारे में अपनी बातों को विधानसभा विधान परिषद के पटल पर वो रख सकते हैं और उनके बारे में बातें सोच सकते हैं। पांडे जी अपने जीत के प्रति पूरी तरह स्वस्थ हैं। मैं राजेश पांडे, नागपुर।